और कढ़ी बनाने के लिए हमारे पास है ये लस्सी जो कि हम नानी के घर से लाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 23 फरवरी 2022 और अभी मैं हूँ किचन में बर्तन धोने के लिए। तो अभी जाएंगे नीचे नीचे वाले रूम में, आज मेरी बहन भी आई है तो आपको मिलाएंगे उससे। ठीक है, देखो इतने सारे बर्तन हैं धोने के लिए, धो लेते हैं बर्तन फिर मिलते हैं आपसे। अभी तो ये पूरा खाली है, इसको फुल करके मिलते हैं। सो गाइस, मैंने बर्तन वगैरह धो लिए सारे और अब मम्मी ने कहा था कि कढ़ी बनाना है तो फटाफट से कढ़ी बनाते हैं और कढ़ी बनाएंगे आज मेरे स्टाइल में। ठीक है, और कढ़ी बनाने के लिए हमारे पास है ये लस्सी जो कि हम नानी की लस्सी को हमारे बोलते हैं छा। तो आज छा हरी कढ़ी बनानी। ठीक सा, तो ये रख दी लस्सी और यहाँ पे है प्याज, प्याज भी काटते हैं फटाफट से, मिलते हैं आपसे प्याज काटने के बाद। ओए, फिर लहसुन भी काटना है। गाइस, यहाँ पे मैंने देखिए प्याज काट दिया है, अब लहसुन काटते हैं। सो गाइस, बिल्कुल इस तरह से आपको बारीक बारीक काटना है ये। बाकी अभी क्या करते हैं, कढ़ाई निकालते हैं यहाँ से। तो गाइस, कढ़ाई रख देते हैं यहाँ पे। गाइस, कढ़ी बनाने से पहले ना मन कर रहा है थोड़ी सी लस्सी पी लूं। ओह भाई, यस। इसमें देखो ये जो येलो येलो है ना, ये है मक्खन, येलो येलो मक्खन। पीते हैं अब लस्सी। चीयर्स। मक्खन, बट ये बहुत ठंडी है, बहुत ज़्यादा। हाँ, ऐसे ठंड में नहीं पीनी चाहिए थी, गलती कर दी। तो गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइंड डालते हैं ये इस तरह से। तेल जो है देखो गर्म हो गया है, गरम होते ही इसमें थोड़ा सा हमको डालना है आटा इस तरह से। आटा डाल दिया, अब इसमें लहसुन डालना है। लहसुन के बाद इसमें प्याज ऐड कर देना, ठीक है। और थोड़ा सा इसको, जब आप लहसुन वगैरह डालोगे ना तो इसको सिम कर देना गैस को, तो जब तक ये ब्राउन हो ही गया है, तेल ज़्यादा गर्म था आई थिंक। और जब तक प्याज ब्राउन होता है तब तक लस्सी का लुफ्त उठाते हैं। लुफ्त ही होता है ना। हाँ, आप देख सकते हो प्याज जो है ब्राउन हो गया है, तो उसमें आप धनिया पाउडर डाल देना अपने हिसाब से, ठीक है। तो मेरा तो भाई तुक्का ही लगता है। अब साथ में मिर्ची भी डाल दो। ये है भाई बुगरू, हमारा कुटी हुई मिर्च, इसको बोलते हैं बुगरू, साबुत मिर्च को कूटा हुआ। बुगरू के बाद आप लोग, मतलब मिर्ची के बाद आप लोग ये आधा सा चम्मच हल्दी का डाल देना। नमक जो है स्वाद अनुसार डाल देना, ठीक है। बस नमक भी हो गया। अब जो है आप लोग इसमें ये लस्सी ऐड कर सकते हो, ये देखो इस तरह से। वही 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 वही। तो गाइस देखिए, कढ़ी हमारी रेडी हो गई है लगभग लगभग। तो गाइस, ऐसा उबाल आने के बाद हम लोग इसमें ये ऐड करेंगे,
देखो एक बार मैं आपको ये दिखा दूँ, देखो मस्त बन रही है। तो अब इसको इसमें ये ऐड करते हैं, पुदीना बूंदी, ठीक है। 10 रुपए का पैकेट मिलता है, मस्त होता है गाइस। आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर करना, ऐसी कड़ी बढ़िया होती है, बहुत मस्त लगती है खाने में भी। तो थोड़ा सा अभी हम इसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं यहाँ पर डाल के। सो गाइज इसमें हमारी कड़ी है, वो टेस्ट करते हैं। सॉरी आपको शोर भी आ रहा होगा क्योंकि ऊपर छत है ना और बाहर बारिश लगी हुई है उस वजह से। तो इसको फटाफट से टेस्ट करते हैं अब। मस्त, एकदम बढ़िया बनी है, सब कुछ परफेक्टली डला है इसमें। और इसमें आप लोग क्या बोलते हैं, अगर लस्सी यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप दही भी यूज़ कर सकते हो। और इस वाले शोर के लिए सॉरी, क्या करूँ मैं, हमारे छत है ना तो इसमें बारिश की वो बूंदें बज रही ऊपर से, तर 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 तर, तब ऐसी आवाज़ आ रही होगी। तो हमारी कड़ी भी यहाँ पर देखिए रेडी हो गई है। गाइस खाना वगैरह मैंने बना दिया और बाहर ना लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश जिसको बोलते हैं। तो आपको एक बार मैं बाहर का मौसम दिखा दूं कि कैसा हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ देखो आप, पूरा कुल्लू कैसा हो गया और नीचे बिल्कुल गीला ही गीला है। तो बाहर तो नहीं जा सकते हम अभी, बट आप यहीं से देखो मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा हो गया है, ठंडा मस्त मस्त। यहाँ पे देखिए बिस्तर है उठाने के लिए, आधा मैंने यहाँ पे नीचे फेंक दिया क्योंकि अभी बिस्तर उठाना पड़ेगा फटाफट से, तो इसको उठा के मिलते हैं। गाइस अभी इतना बिस्तर उठाने को, बेड देखो भी ऐसा है, फटाफट से इसको सही करते हैं। सो गाइस फाइनली बिस्तर वगैरह उठा दिया मैंने, तो अब देखते हैं कुछ और काम होगा तो पहले। गाइस काम वगैरह सारा ख़त्म हो गया तो मम्मी भी आ गए बाज़ार से, मम्मी हॉस्पिटल गए थे डॉक्टर के पास ना, तो मम्मी ने यहाँ पे कुलचा लाया है। तो मम्मी क्यों गए थे हॉस्पिटल, हाँ मम्मी के दांत में दर्द हो रही थी तो इसलिए मम्मी गए हुए थे। और आप लोग को बता दूँ मेरी बहन भी आ गई, तो ये सीधे ड्यूटी से आई है यहाँ पे, आज ही यहाँ पे रहेगी। हाय, हेलो, कैसे हो आप? ठीक हो? क्या खा रहे हो आप? आप आते ही खाने में लग जाते हो, है ना, कुलचा खा लेते हैं, मस्त। वाओ मम्मी ने मेरे को इतने सारे पैसे दिए गाइस, यहाँ देखो कितने है, ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 700 कुछ रुपए है ये। तो थैंक यू मम्मी पैसों के लिए। तो गाइस अब निकलते हैं। तो गाइस ये थे वो असली पैसे, मम्मी ने वो पैसे ऐसे दिए थे मेरे को चलाक। तो गाइस अब हम भी खाना खा लेते हैं और बताते हैं आपको कि ओ भाई ऐसे हम हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है तो खाना भी यहाँ पे वेस्ट हो जाता है अभी। तो यहाँ पे मैंने कड़ी और चावल निकाल दिया है, तो अब खाते हैं टीवी देखते देखते। कुछ ऐसी दिख रही है देखिए कड़ी, मस्त बनी है बिल्कुल, दिखने में भी अच्छी लग रही है। और अब टेस्ट करते हैं, चावल टेस्ट करते हैं। बिल्कुल मस्त बनी है, बिल्कुल मस्त क्या होती है, ज़बरदस्त बनी है। आप लोग भी ट्राई करना इस कड़ी को, और डेली व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, कंटेंट कहाँ कहाँ से मुझे कंटेंट ढूंढना होता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।